समर समीर का फर्स्ट साकर क्लास स्टार्ट हो गया है। 6 हफ्ते का ट्रेनिंग है, प्रैक्टिस ट्रेनिंग है। इंडिया में रहो या अमेरिका में रहो, हम पेरेंट्स को पीयर प्रेशर तो बहुत ज़्यादा रहता ही है कि भाई सबका बच्चा आगे निकल जाए, कहीं हमारा बच्चा नहीं निकले। फिर इसके चक्कर में हम लोग फिर ये इंग्लिश का क्लास, मैथमेटिक्स का क्लास, फिर इसका क्लास, उसका क्लास, IIT जाएगा, हार्वर्ड जाएगा, एकदम डाले रहते हैं। क्यों गाइस? आई डोंट नो, अभी तुम लोग को नहीं समझ आएगा। बट एनीवे, सो समर समीर इंग्लिश और मैथमेटिक्स का क्लास कर रहे थे, बट मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाई में जोक रहा हूँ, स्पोर्ट्स में क्यों नहीं ज़्यादा मैं जोक कर रहा हूँ। तो इस बार हुआ कि नहीं, समर में ये सब सब्जेक्ट वाली जो क्लासेस हैं वो सब नहीं रहेगी, ओनली स्पोर्ट्स पे फोकस रहेंगे और आगे भी स्पोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस रहेंगे गाइस, राइट? हाँ, तो स्पोर्ट्स में इंजॉय करते हैं। सो या दैट इज द गुड थिंग, क्योंकि अगर साकर इंजॉय करते हो ना तो यू बिकम ए बेस्ट प्लेयर आर नॉट, बट स्टिल यू विल इंजॉय योर लाइफ, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टू इंजॉय योर लाइफ एंड ऑल्सो टू फाइंड ए गुड वाइफ। अरे कम ऑन, नो, अगर टाउन की तरफ से जो साकर क्लास होता है और टाउन स्पॉन्सर्ड जो होता है वो काफ़ी चीप होता है। मैं देखें तो समर समीर का दोनों का $200 में 6 क्लास का प्रैक्टिस है, एक एक क्लास का। उसमें साकर बॉल भी देंगे, ये टी शर्ट भी देते हैं, सिखाएंगे भी ग्रुप में, मैच कराएंगे, एवरीथिंग, फील्ड वगैरह सब कुछ सिटी की रहती है, तो चीप है। अगर प्राइवेट क्लासेस यूज करते हैं दैट इज़ वेरी कॉस्टली। एटलीस्ट मिनिमम आपको $40 to $50 पर आवर देना पड़ता है। और समर समीर के लिए मैंने प्राइवेट क्लास लिया था थोड़ा, तो वो करीब $70 पर आवर था पर बेबी। बट एनीवे, आप बेसिक स्किल्स के लिए थोड़ा सा दे दे, फिर इसके बाद खेल सकते हैं। क्यों गाइस? भी आ गए हैं हम लोग, वाल्थम टाउन की एक साकर फील्ड है और यहाँ पे करीब 10 से ज़्यादा साकर फील्ड लग रही है। ये साकर फील्ड आई थिंक मे बी 5 है और सारे बेसबॉल की और सब की है। देखिए पूरा मेला लगा हुआ है। ओह सो, हम लोग का वो नहीं आया यार, सूज और वो सब ने नहीं आया, सिन और सूज ये सब नहीं आया है। पूरा मेला की तरह लगा हुआ है साकर का, और ये पूरा स्प्रिंग में चलेगा। फिर ऐसे बाद पूछते हैं यार, समर में भी रजिस्टर कर लेते हैं। दिस इज द फन गेम, राइट? और पूरा फील्ड को सब डिवाइड करके छोटे छोटे उसमें कर दिए हैं लोगों को खिलाने के लिए। तो बहुत ही बड़ा स्पोर्ट्स ग्राउंड है इधर, उस चारों तरफ फील्ड है, छोटे छोटे बड़े लड़कों के लिए ये फैसिलिटी है, रेस्टरूम वगैरह की हर चीज़ की। पूरा एकदम चारों तरफ से भरी हुई है, उधर बड़े लड़कों का गेम चल रहा है, इधर सब डिवाइड करके सारे छोटे लड़कों का है। सिटी द्वारा स्पॉन्सर जैक एंड एलिनार फील्ड, सिटी ऑफ वाल्थम। गेम कैसा हुआ? परफेक्ट। हाँ, समर की टीम तो जीत गई, समीर की टीम का मुझे पता नहीं चला। लास्ट, योर टीम लास्ट। ओके, अभी बड़े लड़कों का गेम देख रहे हैं हम लोग यहीं बैठ के, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और समर समीर जी से थोड़ा सा सीखेंगे कि कैसे ये लोग प्ले कर रहे हैं। पेनाल्टी, yeah. गेम 1 घंटे का था और हम लोग 2 घंटा दूसरे का गेम देखे हैं, बट अच्छा लगा। समर समीर की टीम में कुछ बच्चे इतने छोटे हैं कि वो जाना ही नहीं चाहते, जबरदस्ती उनको पेरेंट्स भेजे हुए, वो क्राई करते हैं और कई बार उनको समझ में नहीं आता है कि टीम के अगेंस्ट प्ले कर रहे हैं कि टीम के लिए प्ले कर रहे हैं।
और मुझे लगता है कि हमने राइट टाइम पे लोको स्पोर्ट्स में डाला है। बहुत अर्ली भी डालने में अगर इंटरेस्ट नहीं है तब गड़बड़ हो जाता है। जब इंजॉय करते हैं बच्चे तो इजीली इजी रहता है कि हमेशा लोग एक्साइटेड रहते हैं आने के लिए। क्यों गाइस, आप लोग इंजॉय करते हो साकर या नहीं? कितना इंजॉय करते हो? हाँ बढ़िया, ठीक है, तब ठीक है। सो पूरे फील्ड में पेरेंट्स बस इनकरेजमेंट पे रहते हैं, बच्चा एक बार बाल को मार दिया, वाह वेल्डन वेल्डन वेल्डन, सब सुपर डुपर इनकरेजमेंट। इनकरेजमेंट बड़ी अच्छी चीज़ होती है, बट कई बार लगता है कि यार इतना ज़्यादा इनकरेजमेंट कर रहे हैं हम लोग कि अगर एक बार इनकरेजमेंट नहीं करें तो बच्चा प्ले ही नहीं करेगा। सो गाइज, आप लोग अपने से जो सपने अंदर भरे रही है, राइट? हाँ। और ये सारी एक्टिविटी, क्लास कराना और स्पोर्ट्स के लिए ले जाना, ये हम भाग दौड़ पेरेंट्स की चलती रहती है जब तक बच्चे घर छोड़ के कॉलेज नहीं जाते हैं। बट हम तब तक करेंगे जब तक कि लोग 16 साल के या ड्राइविंग लाइसेंस ना हो जाए। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, 16 साल के हो गए, भैया अपने से ड्राइव करो, अपने से जाओ, हम नहीं जाएंगे हमेशा आपको लेके स्पोर्ट्स के लिए। यू हैव टू ड्राइव द कार एंड गो बाय योरसेल्फ, राइट? हाँ, अभी किंडरगार्टन में तो ले जा रहे हैं, अगले 10 साल तो ले जाएंगे, बट उसके बाद हम नहीं ले जाएंगे।